वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मो हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट एरोमा थेरेपिस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो फेशियल। मैंगो तो आप में से बहुतों का फेवरेट है ना। अगर इस फेशियल को आप लोग करते हो ना गाइस, तो आप लोगों का स्किन जो है एकदम निखर उठेगा, साथ में इंस्टेंट आप लोग देखोगे एक ब्राइटनेस आपके स्किन में। तो चलिए फिर देख लेते हैं इस फेशियल को हमें कैसे करना है। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल का नोटिफिकेशन है उसे भी थोड़ा हिट कर दीजिए, इससे आगे की नोटिफिकेशन जो है ना आप लोगों को ईजिली मिलती रहेगी। और मुझे और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलिए जट से देख लेते हैं इस फेशियल को हमें कैसे करना है। इस फेशियल को करने के लिए हमें फर्स्ट तैयार करना है मैंगो फेशियल किट। इसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है मैंगो पल्प। मैंगो में विटामिन ए होता है जो कि हमारे स्किन को ब्राइट करता है, साथ में हमारे स्किन में जो भी स्पॉट रहता है ना उसे भी धीरे धीरे मिनिमाइज करता है, हमारे स्किन में एक हेल्दी ग्लो ऐड करता है। अभी मैं इसे थोड़ा क्रश कर लूँगी। आप चाहे तो इसे ब्लेंडर में भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर हाथ से ही कर रही हूँ। एक स्मूथ पेस्ट मेरा बन चुका है, देखिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्क्रब के लिए पीसी हुई चीनी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैंगो पल्प। नेक्स्ट आई एम एडिंग मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमारे स्किन को नरिश करता है, साथ में हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, बहुत ही बेनिफिशियल है। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स करके बना लेना है मैंगो स्क्रब। इसे अलग से रख देते हैं। उसके बाद चलिए बना लेते हैं मैंगो मसाज क्रीम। उसके लिए भी हमें फर्स्ट चाहिए मैंगो पल्प। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हमें बना लेना है मैंगो मसाज क्रीम। मैंगोस आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके स्किन को नरिश करता है, साथ में आपके स्किन टोन को भी इम्प्रूव करता है। जो मैंगो पल्प बचा हुआ है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम बना लेंगे मैंगो पैक। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। मैंगो पैक थर्ड स्टेप में यूज़ होने वाला है। एक स्मूथ पेस्ट हमें बना लेना है। इन तीनों चीज़ों को बना लेने के बाद ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा मैंगो फेशियल किट। चलिए ये पैक भी हमारा रेडी हो चुका है अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है मैंगो स्क्रब। स्क्रब को फर्स्ट मैं अपने फेस में अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं सिर्फ स्क्रब करूंगी। मैंगो में विटामिन ई होता है जो कि हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। मैंगोस में विटामिन सी होता है जो कि हमारे स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से, साथ में यूवी रे से बचाता है। विटामिन सी जो होता है ना हमारे स्किन में एक्ने ब्रेकआउट्स को भी कम करता है, साथ में जो भी स्पॉट होते हैं एक्ने के पिंपल की उसे भी धीरे धीरे रिमूव करता है। फेस में अप्लाई करने के बाद जो बचा हुआ है ना उसे मैं अपने हाथ में अप्लाई कर रही हूँ। इससे फेस के साथ मेरा हाथ भी जो है ना ग्लो करेगा। हैंड स्क्रबिंग के बाद अभी चलिए आप लोगों को वॉश करके दिखाते हैं, देखिए कितना चेंज आया है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे मैंगो मसाज क्रीम से मसाज। इसके लिए फर्स्ट मैं मैंगो मसाज क्रीम को अपने फेस में अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद मैं इससे करूँगी मसाज। मसाज को कंप्लीट करने के बाद हम अप्लाई करेंगे मैंगो फेस पैक जो अभी मैंने बनाया है। इसे मैं अच्छे तरीके से अपने फेस में अप्लाई कर लूँगी। लाइट थोड़ा अप डाउन हो रहा है बिकॉज गाइस मैं नेचुरल लाइट में वीडियो बना रही हूँ। अभी तो मॉनसून का सीज़न चल रहा है, कभी कभी इसी वजह से बादल हो रहे हैं तो सनलाइट कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी थोड़ा अंधेरा हो जा रहा है। अभी देखिए थोड़ा फिर से लाइट जो है ना डाउन हो चुका है, इसी वजह से कलर भी चेंज हो रहे हैं। मैंगो पैक को आप लोग चाहे तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं फुल फेशियल नहीं करके, उसके बाद इसे आप लोगों को 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, उसके बाद देखिए मैंगो फेशियल का रिज़ल्ट।